तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल के नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए Xiaomi के Mi Band 3 की अनबॉक्सिंग रिव्यू और एक छोटा सा गिव अवे होंगे दो Mi 3 बैंड्स के। और आपको करना है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल करना यह है, इस वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इसी वीडियो में कॉमेंट कर दें आपको Mi Band 3 में कौन सा एक फीचर अच्छा लगा। और 15th ऑफ अक्टूबर को हो जाएंगे ये दोनों Mi इवेंट किसी दो लकी विनर्स के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है टू Mi Band 3 और इन दोनों को ऑर्डर करा है मैंने अमेजोन से। तो अगर आपको भी इन दोनों को ऑर्डर करना है तो पहला लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहां पर क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फटाफट से कर लेते हैं इसको अनरैप। अंदर देखें तो मिल जाता है एक बिल और उसके अंदर देखें तो आपको मिल जाता है एक और पैकेज जिसमें हमारा Mi Band 3 रख लेते हैं। अभी इसको साइड में अंदर पैकेज में ऐसा कुछ और खास नहीं मिलता है। बॉक्स के पीछे की तरफ अगर गौर करें तो आपको अदर इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये जो Mi Band 3 है वो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ को। MRP की बात करें तो इस पे दे रखी है 2200 बट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी 2000 में। कर लेते हैं इसको फटाफट से अनरैप और देख लेते हैं आपको बॉक्स में और क्या क्या कॉन्टेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगर इसके लुक्स की तो लुक वाइज ये काफी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है अदर फिटनेस ट्रैकर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको लुक देखने को मिल जाता है। ये कर्व लुक और अच्छी जान डाल देता है Mi Band 3 में। कुछ इस टाइप से आप अपने Mi Band 3 के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो लुक काफ़ी अच्छा है हमारे Mi Band 3 का। और अगर हम आगे वीडियो में बात करेंगे इसके फंक्शंस की भी तो पूरा देखें लास्ट तक इस वीडियो को। रख लेते हैं अभी इसको साइड में। और बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो आपको मिल जाता है कि स्ट्रेप की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है जी हाँ, बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली नाइस। बात करें तो आपको मिल जाता है साइड में कॉलम, उस कॉलम में रखी हुई आपकी चार्जिंग केबल। साइज थोड़ा सा छोटा है केबल का बट हम देख लेंगे कि इसको आप Mi Band 3 को कैसे चार्ज कर सकते हैं। रख लेते हैं इसको साइड में। और अगर और बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो आपको ये देखने को मिल जाता है कि यूज़र मैनुअल और ऐसा और कोई खास देखने को और कुछ नहीं मिलता है बॉक्स में आपको नहीं मिलता है। इसके साथ अडेप्टर तो आप अपने किसी भी फ़ोन का अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं। केबल की बात करें तो केबल काफ़ी फ्लेक्सीबल है बट माइनस पॉइंट यही है कि काफ़ी साइज़ छोटा है बट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर स्ट्रेप की तो स्ट्रेप आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। और आप इसको Mi Band 3 को अगर आपको ये स्ट्रेप नहीं चाहिए तो आप इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी दूसरे स्ट्रेप से। क्वालिटी की अगर बात करूँ इसकी स्ट्रेप की तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आपके Mi Band 3 को फुल प्रोटेक्ट करेगा, गिरने बिल्कुल भी नहीं देगा। आपका Mi Band 3 पूरा इसमें फिट हो जाएगा, काफ़ी फ्लेक्सीबल देखने को मिल जाता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं हमारे Mi Band 3 की तो काफ़ी अच्छा लुक है हमारे Mi Band 3 का। पीछे की तरफ अगर गौर करें तो आपको मिल जाता है हार्ट रेट मॉनिटर और MI की ब्रांडिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो निकाल लेते हैं इसको हमारे इसको बाहर। तो कुछ इस टाइप से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर जो लगा हुआ स्टिकर इसको निकाल लेते हैं बाहर और फिर मैं कर लेता हूँ फटाफट से हमारे Mi Band 3 को सेटअप और सेटअप के बाद देख लेते हैं किस टाइप से ये लगेगा। तो फ्रेंड्स सेटअप कर लिए मैंने हमारी Mi Band 3 को और फटाफट से देख लेते हैं इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये है इसका ऑन ऑफ बटन, इस पर जब आप टैप करेंगे तो आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। मैंने इस पर अभी लॉक भी लगा दिया है तो आप एक सिंबल देख सकते हैं लॉक का। तो आप ये लॉक का सिंबल देख सकते हैं, आप इजीली इसको स्वाइप अप करके अनलॉक कर सकते हैं। इसमें जब आप स्वाइप अप एक और बार करेंगे तो आपको स्टेप्स बता देगा आपने कितने स्टेप्स चले हैं। उसके बाद जब आप उसको साइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, अपने 765 मीटर चल चुका हूँ मैं। उसके बाद आपको कैलोरीज दिख जाएगी आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी है। उसके बाद आपको दिख जाएगा बैटरी परसेंटेज और वापस स्वाइप करेंगे तो आप आ जाएंगे वापस उसी चीज़ पे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाता है हार्ट रेट मोनीटर, इधर की साइड से हार्ट रेट मोनीटर कर लेगा, इसको भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। नीचे की तरफ जाएँ तो आपको मिल जाता है वेदर, पूरा वेदर आज का कैसा है, कल का कैसा रहेगा और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे का कैसा रहेगा आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ गौर करें तो हमें मिल जाता है इधर एक एक्सरसाइज का ऑप्शन, इसको आप जब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो अब जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी हार्ट रेट जो है उसको स्कैन करता रहेगा और ये बता देगा आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी है। तो चलिए अब आ जाते हैं अगले फीचर पे। उसके नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन, आप अपने मोबाइल को इस
मी बैंड 3 से कनेक्ट कर सकते हैं और जितने भी नोटिफिकेशन से वो सारे इस पे ही देख सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये जो मी बैंड 3 है वो इमोजीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको खाली टेक्स्ट दिखेगा, इमोजीज़ नहीं दिखेंगे। उसके बाद नीचे की साइड है तो आपको मिल जाता है मोर का ऑप्शन, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको स्टॉप वॉच चालू करने के लिए आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपकी स्टॉप वॉच चालू हो जाएगी। इधर पॉज का ऑप्शन आ रहा है, पॉज भी कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करें अगर अगले फीचर की, तो आपको मिल जाता है एक साइलेंट का ऑप्शन, आप अपने मोबाइल को इससे कनेक्ट करके अपने फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगले फीचर की बात करें तो आपको मिल जाता है फाइंड डिवाइस। अगर आपने अपने मोबाइल को आपके मी बैंड 3 से कनेक्ट कर रखा है तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके आपके डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपको मिल जाता है एक और ऑप्शन स्क्रीन का, इसमें आप स्क्रीन देख सकते हैं आपको कौन कौन सी स्क्रीन चाहिए आपकी मी बैंड 3 की। कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, आपको जो भी स्क्रीन चाहिए आप उसको चूज़ कर लें और फिर ये बटन दबा दें तो स्क्रीन वो सेटअप हो चुकी है। उसके बाद जाएंगे अबाउट, आपको सेक्शन मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हमारी मी बैंड 3 को हमारे मोबाइल से कनेक्ट। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर सर्च करना है मी फिट। तो आपको ऊपर ही ऊपर एक ऐप दिख जाएगा, मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद कर लें यहाँ से ओपन। तो आपको पहले साइनअप करना पड़ेगा इसमें, अगर आपका मी अकाउंट है आप अपने मी अकाउंट से भी इसमें साइनअप कर सकते हैं या फिर अपनी फेसबुक आईडी या गूगल आईडी से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लिया है। अब आप इधर देखेंगे तो आपको पूरी फिटनेस की आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है सब मालूम चल जाएगा। आप अपने मी बैंड 3 को और भी अच्छे तरीके से आपकी वो फ़ोन से कनेक्ट करके चला सकते हैं। नीचे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका जो एक और कमाल का ऑप्शन मेरे को लगा वो ये है कि अगर आपने अपनी फ़ोन को स्मार्टफोन को कहीं पर रख दिया है तो आप आपके मी बैंड से उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली आपको जाना आपके मी बैंड पे है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड डिवाइस का। फाइंड डिवाइस के ऑप्शन को जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट रिंगटोन देखने को मिल जाती है, आप चाहें तो उस रिंगटोन को चेंज भी कर सकते हैं। नीचे की साइड जब आप जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और भी कई सारे, आप इधर जा सकते हैं आपकी इनकमिंग कॉल में, आप इनकमिंग कॉल को भी ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एप अलर्ट्स अलार्म और ये भी ऑन कर सकते हैं, फाइंड बैंड कर सकते हैं। फाइंड बैंड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मी बैंड जो है वो वाइब्रेट होने लगेगा, बट ये फीचर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आपने अपना मी बैंड कहीं पर रख दिया है तो वो खाली वाइब्रेट होगा जो आपको मालूम नहीं चलेगा। बट अगर आपने अपनी मी बैंड को मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है और आपको आपको फ़ोन को ढूंढना है तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो आपका जो बैंड की लोकेशन आप किस तरफ पहनेंगे वो भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हार्ट रेट डिटेक्शन है, तो चलिए एक बार कर लेते हैं हार्ट रेट मोनिटर। एज यू कैन सी ये कुछ इस टाइप से दिखता है और इसमें मोशन सेंसर भी है, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया और जब हम हल्का सा मोशन देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ इस टाइप से हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाती है, हम हार्ट रेट मॉनिटर को देख लेते हैं एक बार चला के। लॉन्ग प्रेस तो देखिए वर्क करेगा, तो आप देखिए तो ये कुछ इस टाइप से वर्क करता है हार्ट रेट मॉनिटर। ये देखिए इसने मेरी हार्ट रेट बता दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इधर एक और ऑप्शन मिल जाता है फाइंड फोन रिंगटोन्स, तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट रिंगटोन सेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं आपकी रिंगटोन में जाकर, तो आपकी जो फ़ोन की रिंगटोन है वो इसमें सेट हो जाएगी। तो जब भी आप अपने फ़ोन को फाइंड करेंगे तो ये रिंगटोन होगी। चलिए अब एक बार देख लेते हैं आपका जो मी बैंड है वो उसको चार्ज कैसे कर, तो आप कुछ इस टाइप से आपके मी बैंड 3 को चार्ज कर सकते हैं। आप इसका अडेप्टर नहीं आता इसके साथ में तो आप किसी भी अपने अडेप्टर को यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस टाइप से फिट हो जाएगा और फिर आप चार्ज कर सकते हैं इजीली। तो हमारे मी बैंड 3 आता है फुल वाटर प्रूफिंग के साथ, तो देख लेते हैं क्या है फुल वाटर प्रूफ है। डाल देता हूँ मैं इस वाटर और फिर निकाल देंगे हम इसका स्ट्रैप और देख लेते हैं कि विदाउट स्ट्रैप क्या है वाटर प्रूफिंग वर्क करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया स्ट्रैप और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका फुल वाटर प्रूफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी और ये अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप पानी के अंदर भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं 50 मीटर तक। उसके बाद की गारंटी नहीं है ये वर्क करेगा या नहीं, बट 50 मीटर तक आप इजीली इसको पानी में रख सकते हैं। और देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और गिव अवे में पार्टिसिपेट तो आप सभी ने कर ही लिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर ही दिया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें पार्टिसिपेट्स के रिजल्ट जल्द से जल्द पाने के लिए।